प्यारी YouTube फैमिली, ये है हमारा घर जी, ये हमारा किचन है जैसे गांव में होता है। ये हमारी भतीजी खेल रही है, छोटी वाली, और ये हमारा बरामदा है। ये हमें आसमान दिखता है यहाँ पे, ये देखें जी। और एक हमारा ये वाला वॉशरूम है, ये मेन गेट है हमारा। और ये माशाल्लाह इसकी दीवारें काफ़ी ऊंची हैं, ये देखें जी, छत के बराबर हैं ये दीवारें इसकी, काफ़ी ऊंची हैं। ये देखें जी, अजान होने लगी है, अभी मैं नमाज पढ़ूंगी। ये हमारा बरामदा है, ये देखें जी। फिलहाल कोई भी सामान सेट नहीं किया हुआ, बिखरा पड़ा है। बहरहाल मैंने आपको बोला था कि मैं आपको अपने घर का विजिट कराऊंगी, आपने घर देखना है। बाकी ये देखें, बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है ना, गांव के माहौल से। बाकी ये हमारी जी बैठक है, ये इसमें पंखा वगैरह तो लगा हुआ लगाया है इन्होंने। और इसमें अभी बोल रहे थे कि सोफ़े सेट करते हैं। ये देखें जी, यहाँ पर अटैच वाशरूम दिया गया है। ये बाहर का दरवाज़ा है, जब कोई मेहमान वगैरह आते हैं तो अंदर का बंद कर देते हैं, ये बाहर का दरवाज़ा है। ये एसी हमने अभी लगाया नहीं है, तो बाद में लगाएंगे। तो ये अभी सफाई इसकी हो रही है। ये देखें नीचे सारा फर्श भी गंदा है। और मिस्त्री की अकलमंदी देखें आप, कि इसने ये टैंक है नीचे बड़ा बना हुआ, तो उसका जो वो है ढक्कन, वो यहाँ पर उसने लगा दिया। कितना गलत किया, पूरी बैठक का खाना ख़राब कर दिया है। बाकी जी ये हमारे दरवाज़े अभी लगाने वाले हैं, ये देखें जी, इसका दरवाज़ा नहीं लगा हुआ बैठक को। ये पहले की लगी हुई थी, जब वो मोटर, जब ये ड्राई वगैरह करते थे ना, तो उस टाइम की, अभी हमने नहीं लगाई पहले की। ये देखें जी, ये हमने बरामदे में फ्रिज रख दिया है, जो कि ज़रूरत का था। तो एक हमारा ये कमरा है, ये जहाँ जिसका दिल चाहता है अब सो जाता है। ये जी ऊपर हमने कोई चीज़ शेड पे नहीं लगाई हुई अभी फ़िलहाल, लाइट भी चली गई है। यूपीएस मैंने अभी ऑन करना है, ऑन भी नहीं किया। ये सोफ़ा यहाँ पे रखा हुआ है इस कमरे में, और ये इस तरफ सिलाई मशीन नीचे रखती है इन्होंने डब्बे से निकाल के, पता नहीं क्या सी रही थी भाभी। ये देखें जी, गुड़िया का कंबल वगैरह और टोकरी, और ये ऐसे पड़े हुए। सच कहते हैं कि एक दफ़ा अपने घर से इंसान जब बाहर निकलता है ना, शिफ्ट होता है, तो बिल्कुल खाना ख़राब हो जाता है, हर चीज़ का सामान भी बेकार हो जाता है। ये जी कुरान पाक की टोकरी लगी हुई है, ये मैंने पर्दे लगाए हैं। भाभी ज़रा साइड पे हो ना, ये देखें जी, ये कमरा तो आपने पहले भी देखा है। ये हमारा मेरा कमरा, ये बेड है, और इस तरफ ये अलमारी वगैरह, और ये भी अभी साफ़ नहीं है फर्श, देखें जी। ये बाहर का असल में धुलता है ना, तो इसलिए थोड़ा बहुत साफ़ हो गया है। और कमरा अभी तक फ़िलहाल कोई नहीं साफ़ हुआ, देखते हैं। ये जी मेरी गुड़िया जो है, ये चिपकी हुई है कूलर के साथ, ये देखें, ये देखें ये क्या कर रही है। इधर आओ फायज़ा, फायज़ा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, जल्दी आओ, भाग के आओ। एक मिनट जी, फैज़ा को थोड़ा सामने लाते हैं। ये देखें जी, फैज़ा खुद ही आ गई है। फैज़ा इधर आओ, फैज़ा सलाम करो बेटा, सलाम करो। ओए ओए ओए, सलाम कर रही है फैज़ा, आप सलाम कर रहे हो। अच्छा अच्छा अच्छा, हो गया मेरा बच्चा, हो गया आपका सलाम। ओए आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मुझे पकड़ लो, आ जाओ। ये जी अल्लाह पाक ने एक छोटी सी रौनक दी है हमारे घर में, मेरी प्यारी सी क्यूट सी बेटी, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा रौनक है हमारे घर में।
लेकिन जब ये रात को शोर करती है ना, नींद से डिस्टर्ब करती है, अब समझती है जब बहुत ज़्यादा तंग करती है ना, तो बस मेरे तो सर में बहुत दर्द हो जाता है। तो मैंने इसको बोला, रात को डांटा, बहुत रो रही थी, शोर मचा रही थी, जब उठाओ तो हंसती थी, जब लेटाओ तो रोने लगती थी। तो मैंने इसको बोला कि सब्र करो, मैं तुम्हें खाली प्लाट में फेंकती हूँ। अब सुन भी रही है, तो एकदम से ये खामोश हो गई ना, बहुत समझती है माशाल्लाह, काफी समझदार है ये जी। हमारा इस तरफ गेट है, एक मिनट में गेट खोलती हूँ। मैं खोला तो मैंने कभी नहीं, ये बाहर नहीं झांकती, देखते हैं। ये देखें जी, बहुत खूबसूरत सा नज़ारा है, ये बिल्कुल कच्चा है सारे घर, ये बकरी ऊपर चढ़ के खड़ी हुई है दीवार पे। देखें जी, अभी कोई आया जी, मौसम में ज़्यादा बाहर नहीं देख सकती हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा बाहर, मेरे हस्बैंड फिर शोर करते हैं, फिर दरवाजे से ना झांका करो। ये जी बस हमारा घर है फ़िलहाल, आप लोग दुआ करेंगे इंशाअल्लाह जल्दी जल्दी हम वापस अपने घर चले जाएं।